तो मेरा प्रयास रहा हमेशा कि उस दुर्घटना या दुर्घटना में पहुंच को मैं जाऊं। इस सरकार में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, अच्छी सड़कें हैं, कस्बों में 20-22 घंटे बिजली है, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है प्रयास। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब कल्याण की बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, 65 साल बाद नरेंद्र मोदी ने सोचा कैसे घर भी एक गांव शौचालय नहीं, 65 साल की आजादी के बाद हर घर में शौचालय बन गया। आजादी के 65 साल बाद नरेंद्र मोदी ने सोचा कि हर घर में सिलेंडर भी नहीं, गरीबों के पास आवास नहीं है। कितने आवास बने होंगे सर तरह भाई कुछ है? 1100 आवास गरीब वर्ग के अकेले सरधना कस्बे में बढ़कर तैयार हुए। आजादी के बाद आज तक टोटल 1100 नहीं बने होंगे, 1100 परिवार को, गरीब परिवारों को आवास देने का काम इसी योजना के, इसी प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम के, हर गरीब परिवार को राशन। कोरोना काल में शुरू हुआ जब गरीब संकट में था, बिना भेदभाव के बिना जाति धर्म देखे हर व्यक्ति को 5 किलो राशन और प्रधानमंत्री कह चुके अगले 5 साल जारी रहेगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब के लिए पहुंचाने का प्रयास इस सरकार का। अब अलग अलग लोग आपके बीच में आएंगे, कोई जाति की दुआई देगा, कोई धर्म की दुआई देगा, कोई रिश्तेदारी निकालेगा, लेकिन आपको कोई ये नहीं बता पाएगा कि हम देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं। वो एक ही नाम है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अगर विपक्ष वाले आपसे वोट मांगने आएंगे तो पूछना आपका अधिकार है कि भाई मेरी वोट ले लेगा, मेरी वोट का क्या करेगा, मेरी वोट आपने किसे देगा, किसे प्रधानमंत्री बनाओगा। देश को तो प्रधानमंत्री चलाता है और नरेंद्र मोदी ने हर वो काम करने का प्रयास किया जो आजादी के बहुत पहले हो जाना था, आजादी के बाद, और बहुत से प्रधानमंत्री उस काम को नहीं कर पाए। आज पहली बार इस मोहल्ले में मेरी सभा हुई है, वाकई पवार और पूरी टीम का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि 19 तारीख को सभी जाति धर्म का भेद तोड़कर जिस तरह से मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाए, 5 लाख का बीमा दिया, न उसमें जाति धर्म देखा ना देखा राशन, तो सब लोग लाइन में लग के कमल के फूल को मतदान करें और नरेंद्र मोदी जी को देश का 3री बार प्राप्त होना है। ये आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।